maudit. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जान विक्रम एंड श्रीनिधि शेट्टी स्टार फिल्म कोबरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कोबरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 की, तो फिल्म कोबरा ने अपने डे 12 के अंदर 0.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म कोबरा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 73 करोड़ का हो चुका है, जहाँ फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर 37 करोड़ है। वहीं फिल्म का तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस से टोटल 41 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म कोबरा की बात करें तो फिल्म कोबरा को टोटल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। क्या ये फिल्म अपने बजट को पार कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिल्म अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र की, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र का डे 3 के अंदर डे 2 के मुकाबले 10% ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने अपने डे 3 के अंदर टोटल वर्ल्ड वाइड में 70 से लेकर 75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का इंडिया ऑल लैंग्वेजेस से 43 से लेकर 44 करोड़, वहीं फिल्म का हिंदी से टोटल 39 से लेकर 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 210 से लेकर 215 करोड़ का हो चुका है, जहाँ फिल्म का हिंदी से टोटल 105.5 से लेकर 106.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। वहीं फिल्म का हिंदी से टोटल ऑल लैंग्वेजेस से 117.75 से लेकर 118.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों वही फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की बात करें, तो फिल्म ने अपने डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड 73.35 करोड़ ट्रेड फिगर कलेक्शन किया, तो वही फिल्म का टोटल 85 करोड़ प्रोडक्शन फिगर रहा है। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र को टोटल 410 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वही फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म को टोटल 8913 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है, जहां फिल्म का इंडिया से 519 स्क्रीन, वही फिल्म का 2894 स्क्रीन ओवरसीज है। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। फिल्म का बजट 410 करोड़ है। फिल्म बॉयकट के बावजूद जिस तरीके से कमाई कर रही है, क्या ये फिल्म 410 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं धनुष स्टार फिल्म थिरुचित्रम्बलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 के बारे में। दोस्तों देखते देखते फिल्म थिरुचित्रम्बलम अपने डे 25 के कलेक्शन को पूरी कर चुकी है। बात करें फिल्म थिरुचित्रम्बलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 25 की, तो फिल्म ने डे 25 के अंदर वर्ल्ड वाइड 0.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 0.6 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म थिरुचित्रम्बलम का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 106.1 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 78.8 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों फिल्म थिरुचित्रम्बलम की बात करें, धनुष प्रकाश राज एंड नित्या मेनन स्टार फिल्म थिरुचित्रम्बलम को टोटल 40 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बेहतरीन कमाई कर 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल है। फिल्म थिरुचित्रम्बलम के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 की, तो फिल्म कार्तिकेय 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने एक मंथ को पूरे कर लिए हैं। बात करें फिल्म कार्तिकेय 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 की, तो फिल्म ने अपने डे 30 के अंदर 0.7 से लेकर 0.9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म कार्तिकेय 2 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 116.5 करोड़ का हो चुका है, यहाँ फिल्म का 57.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन से टोटल 29 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन, वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 56.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपम खेर स्टारर फिल्म कार्तिकेय 2 कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बेहतरीन कमाई की है। फिल्म का बजट मात्र 15 करोड़ था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर दुगनी तिगनी कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई है और फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल है। फिल्म कार्तिकेय 2 आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 की, तो फिल्म लाल सिंह चड्ढा अब बुरी तरह से इंडिया में फ्लॉप हो चुकी है। फिल्म ऑलमोस्ट सिनेमा घरों से हटने वाली है। बात करें फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 32 की, तो फिल्म ने अपने डे 32 के अंदर 0.01 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन इंडिया से
64 करोड़ हुआ है। वहीं फिल्म का टोटल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 144.8 करोड़ का हो चुका है। फिल्म लार्स एंड चड्ढा को टोटल 180 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म अपने बजट के मुकाबले इंडिया में आधे भी नहीं कमा पाई है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म से काफी घाटा देखने को मिला है। फिल्म लार्स एंड चड्ढा के ऊपर आपकी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म सीतारमण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 38 के बारे में। बात करें दिलकार सलमान मीरा ठाकुर एंड रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म सीतारमण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 38 की, तो फिल्म सीतारमण ने अपने डे 38 के अंदर 0.25 से लेकर 0.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 94.2 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का हिंदी वर्जन से 3.23 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। वहीं फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से टोटल 42 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। दोस्तों फिल्म सीतारमण की बात करें तो फिल्म सीतारमण को टोटल 30 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। फिल्म अपने बजट के मुकाबले अच्छी खासी कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म सीतारमण को हिंदी वर्जन में हिंदी में डब कर 2nd September 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म सीतारमण को अगर आपने हिंदी वर्जन में नहीं देखी है तो अपने नजदीक के थिएटर्स में जाए और इस फिल्म को लुत्फ से जरूर उठाए। तो दोस्तों ये था लेकर जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के करियर से रिलेटेड खबर के लिए जुड़े रहिए हमारी इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।